नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों की, क्योंकि ये दिवाली का मौका है इसलिए बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं। हाउसफुल 4, सांड की आंख और मेड इन चाइना। सबसे पहले मैं बात करूंगा हाउसफुल 4 की, और हाउसफुल 4 में अगर मैं स्टार्स की बात करूं तो बहुत सारे स्टार्स हैं फिल्म में। अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सनोन, कीर्ति घरबंदा और साथ में पूजा हेगड़े, रंजीत और राणा दगुबत्ती। अब हम बात करें फिल्म की कहानी के बारे में, तो फिल्म की कहानी जो है ये आज के युग से पीछे के युग में जाती है। रीइंकार्नेशन की स्टोरी है, और जैसा कि आपने ट्रेलर देख के समझ में आया होगा कि रीइंकार्नेशन में किस तरह से कॉमेडी ऑफ एरर होती है, उसी पे ये फिल्म है पूरी। और क्योंकि फिल्म कॉमेडी है तो बहुत सारा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, टोटली एंटरटेनमेंट के लिए ये फिल्म बनाई गई है। और जो लोग अक्षय कुमार के फ़ैन हैं या रितेश देशमुख के फ़ैन हैं या फिर कृति सनोन के फ़ैन हैं, उनको ये फिल्म कैसी लगेगी वो तो आपको सिनेमा हॉल में अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मैं फिल्म की खामी और खूबी आपको दोनों बता देता हूँ, जिनमें सबसे पहले फिल्म की खामी जैसे मैंने कहा ब्रेनलेस कॉमेडी है। तो जो लोग थोड़ा संजीदा सिनेमा देखना पसंद करते हैं या जो लोग जिनको थोड़ा सा लीक से हटकर फिल्में देखने की आदत है, उनके लिए ये फिल्म नहीं है। जो लोग कॉमेडी देखना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, दिवाली के मौके पे सब लोग, सब तरफ खुशी का माहौल है और लोग चाहते हैं कि फैमिली के साथ एक एंटरटेनिंग फिल्म देखें, तो उनके लिए ये फिल्म है। और इसमें कहानी या लॉजिक आप ना ढूंढें तो बेहतर है। दूसरी खामी मुझे लगती है कि फिल्म की जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है, फिल्म लंबी लगने लगती है, क्योंकि स्क्रीन प्ले में कॉमेडी की वजह से बहुत सारे सीन्स डाले गए हुए हैं। और कई बार आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे अभी ये एक गाना आ गया या अभी ये सीन नहीं भी होता तो चल सकता था, तो आपको फिल्म थोड़ी लेंथी लगेगी और हो सकता है कहीं कहीं पर आप बोरिंग फील करें। कॉमेडी की अगर मैं बात करूं, कई जगह कई सिचुएशंस में आपको मज़ा आता है, आप हंसते भी हैं, लेकिन कई जगह आपको हो सकता है फिल्म उबाऊ लगने लगे। और फिल्म में एक्टिंग की अगर मैं बात करूं, वो सब मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन खामियों की बात इतनी ही। अब मैं बात करूंगा फिल्म की खूबियों की। तो फिल्म की खूबी ये है कि बड़ी स्टार कास्ट है, और जो लोग फ़ैन हैं इस स्टार कास्ट के उनको ये फिल्म पसंद आएगी। जो लोग कॉमेडी और एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं उनको ये फिल्म पसंद आएगी। दूसरी खूबी है VFX, यानी कि स्पेशल इफ़ेक्ट्स फिल्म के हैं, जो फिल्म को एक बहुत बड़ा कैनवस देते हैं। फिल्म भव्य लगती है, और जो लोग राजा महाराजाओं की फिल्में देखते हैं या जिन्होंने संजय लीला भंसाली का सिनेमा देखा है या बाहुबली जैसी फिल्में देखी हैं, तो उन फिल्मों को देखने के बाद आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं कि फिल्म में स्पेशल इफ़ेक्ट्स अच्छे होंगे, फिल्म भव्य होगी, वो सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। एक्टिंग सबकी ठीक है, कॉमेडी फिल्म है सो टाइमिंग ज़्यादा मैटर करती है, और अक्षय कुमार की टाइमिंग अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रितेश देशमुख और बाकी लोगों का काम भी अच्छा है, रंजीत, और जैसा कि रंजीत का कैरेक्टर आपने हाउसफुल 1, 2, 3 में देखा होगा, उसी तरह का कुछ कैरेक्टर रंजीत का है। तो जो लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं और जिनको थोड़ा दिवाली के मौके पर मज़ा मस्ती या फिल्म के साथ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो ये फिल्म देख सकते हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को 2.5 स्टार्स।